टॉपिक ने किया, इस टॉपिक पे हमने एक एक्सटेंसिव टाइम जो है अब लगा दिया है, उसकी रीजन ये है कि हमने एक्सटेंसिव टाइम इसके ऊपर इसलिए लगा दिया क्योंकि आप लोग जो थे उनका कॉन्सेप्ट जो था वो इतना अच्छे नहीं थे। तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ चुके हुए थे उसको हमने फिर डिटेल में देखा और जो प्रॉपर्टीज थी उसको देखा और फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स को देखा। तो आई होप कि अब इतनी एक्सटेंसिव डिस्कशन इस पर हो चुकी हुई है कि आप लोग इसके एक्सपर्ट बन गए होंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के और इसकी प्रॉपर्टीज से। ठीक है, अच्छा, सो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, आपने देखी सबने, और ये पिछले से पिछला लेक्चर था। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो कि मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, जिसमें जिस तरह के एक ये थी एग्जांपल आपकी ये वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें आपके पास एक जी आपका एक सिग्नल है टाइम डोमेन सिग्नल, उसे आप एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म को फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर देता है, कहाँ पे एफसी पे शिफ्ट कर देता है। तो ये आपके पास एक सिग्नल था रेक्ट, वैसे तो रेक्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है सिंक और वो कहाँ पे होता है बेसबैंड में होता है, लेकिन जब उसे आप एक कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देते हो, कोसाइन क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, तो वो क्या कर देता है उसको शिफ्ट कर देता है कहाँ पे एफसी पे और माइनस एफसी पे। ठीक है, ये आपने देखा कि सिंक आपका एक एफसी पे एक माइनस एफसी पे चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बेसबैंड से बैंड पास बन गया। ठीक है, फिर ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनका आगे काफ़ी ज़्यादा काम आना है। ठीक है, और ये थी जी कॉन्जुगेट फंक्शन वाली प्रॉपर्टी के रियल फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट सिमिट्री को जो है वो फॉलो करते हैं, उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म उनके जी कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एफ के बराबर होता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन इन द टाइम डोमेन इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड सिमिलरली कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन इज इक्वल टू सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। देन देयर वाज पार्सेवल थ्योरम के एनर्जी फाइंड करनी है टाइम डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यू कैन डू दैट। और उसके बाद हमने ये समराइज किया था प्रॉपर्टीज को। ठीक है, और ये टेबल था उसका। उसके बाद हमने स्टार्ट किया द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप है, जितना सिग्नल टाइम में छोटा होगा उतना फ्रीक्वेंसी में वो एक्सपेंडेड होगा, अगर टाइम में जितना एक्सपेंडेड होगा फ्रीक्वेंसी में उतना श्रिंक होगा। ठीक है, फिर हमने बैंडविड्थ को डिफाइन किया कि व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी इतनी वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल कंटेंट सिग्नल का मौजूद है वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है पॉजिटिव साइड। ठीक है, लो पास सिग्नल कौन सा होता है जो कि जीरो के अराउंड रीजन के अराउंड होता है, दैट इज अ लो पास सिग्नल। बैंड पास सिग्नल कौन सा होता है जो एफ सी के अराउंड होता है, किसी एफ सी के अराउंड होता है। ठीक है, दैट इज अ बैंड पास सिग्नल। हमने कुछ बैंडविड्थ की कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखा। ठीक है, एक थी आपकी ये कहती कि मेन लोब बैंडविड्थ, ये दरमियान वाली बड़ी लोब है इसको मेन लोब कहते हैं, ये मेन लोब बैंडविड्थ लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं है, क्योंकि बैंडविड्थ हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, सो दैट इज व्हाई ये बैंडविड्थ इतनी है, लेकिन जब बैंड पास में चली गई तो आपने पूरे का पूरा जो लोब है, ठीक है, इसे कहते हैं नल टू नल बैंडविड्थ। ठीक है, देन देयर इज 3 dB बैंडविड्थ। 3 dB बैंडविड्थ क्या है जी, आपका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहां से उसका 1/√2 और उस वहां तक जो फ्रीक्वेंसी रेंज बन रही है उसकी 3 dB बैंडविड्थ कहलाती है। लो पास सिग्नल में 0 के से आगे पॉजिटिव साइड पे और बैंड पास में एफ सी के अराउंड जो पूरी बन रही है। फिर RMS बैंडविड्थ को डिफाइन किया, फिर टाइम बैंडविड्थ प्रोडक्ट देखा गया व्हाट इज टाइम बैंडविड्थ प्रोडक्ट, फिर हम मूव कर गए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या कहता है कि आपका जो सिग्नल है वो किस तरह का होता है, जीरो पे वो डिफाइंड होता है और ऑल नॉन जीरोस पे क्या होता है, जीरो। तो क्या होता है, जीरो पे डिफाइंड होता है डेल्टा टी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे यू हैव अ इंपल्स। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा दिखता है, क्यों ये था आपका क्या था रेक्ट और ये था उसका सिंक। ठीक है, जब इसको आपने श्रिंक कर दिया तो ये क्या हुआ, ये एक्सपेंड हो गया।
ठीक है। और जब आप इसको बिल्कुल श्रिंक कर दोगे सो दैट कि बिल्कुल एक सीधी लाइन बन जाएगी, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, डिफाइंड फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहलाता है। फायदा क्या है इसका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का, ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज इट्स अ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने कोई भी आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल है, आपकी उसकी इंटीग्रेशन के साथ जब आप उसको डेल्टा को शिफ्ट करोगे टी नॉट पे, अब ये क्या है, ये टी नॉट पे डिफाइंड है, ये किसी से अगर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ जो इस पॉइंट पे वैल्यू है वही उसको देगा। सो ये क्या बता रहा है कि आपका अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको जो टी नॉट पे, ये क्या है डेल्टा टी माइनस टी नॉट, यानी कि ये डेल्टा फंक्शन शिफ्टेड है कहां पे, टी नॉट पे। तो टी नॉट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आपको जो है बता देगा, फंक्शन वैल्यू और द सिग्नल वैल्यू एट द स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट टी नॉट, ठीक है जी। उसके बाद चीजें रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, आप कन्वॉल्व करो टाइम डोमेन सिग्नल को डेल्टा फंक्शन से, आपको वही सिग्नल दोबारा मिल जाएगा। और इसके हवाले से फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ये कॉन्वोल्यूशन क्यों करते थे सिग्नल के सिस्टम में आप, ठीक है, जिसका जवाब किसी को नहीं आता था, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा जी, हमने बात कर ली है, अच्छा उसके बाद हमने बात की कि आपके पास जो वन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है जी, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एफ है, क्यों, डेल्टा ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वन है, तो डेल्टा ऑफ सॉरी वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा डेल्टा, किस तरह, बिकॉज ऑफ डुअलिटी प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ डुअलिटी प्रॉपर्टी। ये डेल्टा ऑफ माइनस एफ क्यों लिखा है यहाँ पे, आपका इवन फंक्शन है, डेल्टा इज इवन फंक्शन नजर आ रहा है, इवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा तो हमने बात ये की कि अगर आप वन को मल्टीप्लाई करा दो, वन को मल्टीप्लाई करा दो किसके साथ, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ, तो डेल्टा कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, एफसी पे शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। और फिर हमने कोसाइन को एक्सपेंड किया, आयलर आइडेंटिटी लगाई और उसके ऊपर हमने देखा कि ये एक एफसी पे एक माइनस एफसी पे, तो डेल्टा एक एफसी पे आ गया एक माइनस एफसी पे आ गया, 1 ओवर 2 उसका फार्मूला है जो कि हमने जिसको जैसे खोला। सो वी फाउंड दैट कि किसी भी कोसाइन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, दो इंपल्सिस होती हैं एक एफसी पे एक माइनस एफसी, और यही बेसिकली वो रीजन थी, यही बेसिकली वो रीजन थी जिसने जिस वजह से ये जो सिंक था रेट का वो एक एफसी और एक माइनस एफसी पे चला गया, क्योंकि जब आपने कोसाइन जो है वो दो इंपल्सिस दे रहा होता है एक एफसी पे और एक माइनस एफसी, ठीक है, तो इस ये जो रेट है ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक सिंक यानी सिंक एक एफसी पे चला गया एक माइनस एफसी पे चला गया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो हमने अभी देखी है कि आपका जो कोसाइन फंक्शन है वो दो इंपल्सिस आती है एक एफसी पे और एक माइनस एफसी पे, और सिंक में क्या होता है एक एफ सी और एक माइनस एफ सी पे लाइक दिस। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आर्टिकल 2.7 में हमने कुछ बात की, सबसे पहले लीनियर सिस्टम की, सिस्टम किसको कहते हैं जो एनी इनपुट सिग्नल पे आपको आउटपुट दे दैट सिस्टम, एक्साइटेशन किसको कहते हैं उसकी इनपुट को, उसका रिस्पॉन्स उसके आउटपुट सिग्नल को कहते हैं, ठीक है, और किसी भी लीनियर सिस्टम में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है, ठीक है, यानी कि आपने दो एक्साइटेशन साइमल्टेनियसली अप्लाई किए हैं तो फर्स्ट एक्साइटेशन का रिस्पांस प्लस सेकंड एक्साइटेशन का रिस्पांस, दिस इज नोन एज अ लीनियर सिस्टम। फिल्टर किसको कहते हैं जो कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट करके देगा, दैट इज द फिल्टर। और चैनल क्या है, वो मीडियम जिसके जिसमें आपका जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज द सिग्नल, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी जी टाइम रिस्पॉन्स, अच्छा टाइम रिस्पॉन्स को किसको कहते हैं, लीनियर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स इंपल्स रिस्पॉन्स, ये उस चीज का जवाब जो मैंने लास्ट टाइम किया था और आपको लास्ट टाइम क्लास में दिया था, फिर ऑनलाइन लेक्चर में आपको मैंने इसका जवाब दिया था कि इंपल्स रिस्पॉन्स इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम टू अ यूनिट इंपल्स और डेल्टा फंक्शन। इंपल्स रिस्पॉन्स किसको कहते हैं, जब सिस्टम की इनपुट पे, जब सिस्टम की सिस्टम है कोई, ठीक है, जब इसकी इनपुट पे क्या अप्लाई करोगे, इंपल्स अप्लाई करोगे, जो उसका आउटपुट आएगी वो क्या कहलाएगी, उसका इंपल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा, ठीक है। और इंपल्स रिस्पॉन्स को आप किस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, इफ द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट द शेप ऑफ द इंपल्स रिस्पॉन्स इज द सेम नो मैटर व्हाट द यूनिट इंपल्स इज अप्लाइड, अच्छा
अब आपके सिस्टम की आउटपुट किस तरह की है, सिस्टम की आउटपुट किस तरह की है, कोई भी सिस्टम उसकी आउटपुट किस तरह की होगी वो होगी, उस पर देख लो ये जो आपने इनपुट अप्लाई की है ये उसके इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ क्या करोगे, कन्वॉल्व करोगे, कन्वोल्यूशन ऑफ द इन ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ द इनपुट विद द इंपल्स रिस्पॉन्स गिव्स यू द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ये था फायदा उसका, कन्वोल्यूशन का फायदा क्या था, आप उस जो सिस्टम रिस्पॉन्स बताता है, सिस्टम का रिस्पॉन्स बताता है। सो कन्वोल्यूशन ऑफ द इनपुट सिग्नल with the impulse response gives you the output of the signal. और अदर तरीका क्या है, अदर तरीका क्या है, आगे इसकी बात की हमने, फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना हो तो क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t मल्टीप्लाइड विद फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h of t, और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h of t को कहते क्या है, ट्रांसफर फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ h of t को क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। तो इंपल्स रिस्पॉन्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कहलाता है, ट्रांसफर फंक्शन। So if you want to find the output of the signal, question है इसे अहमद से, अहमद question, ठीक है, question is कि I have x of f and I have h of t and I want to find y of t, क्या करें, मेरे पास किसी भी सिस्टम का मुझे पता है इनपुट मैंने जो अप्लाई करनी है वो क्या है, जो इनपुट अप्लाई करनी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे पता है और मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स पता है सिस्टम का, ठीक है, और मुझे हाँ बस, और मैं इसकी आउटपुट लेना चाह रहा हूँ y of t, मैं क्या करूँगा, क्या तरीके का, आई हैव दीज टू थिंग्स एंड आई वांट टू फाइंड दिस। तो एमर ने कहा कि इस फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन में मैं कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करूंगा और ये मैं इन दोनों को कन्वॉल्व करूंगा एंड देन आई विल गेट वाई, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या तरीका हो सकता है, इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर वाई ऑफ एफ आ जाएगा उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। वेरी गुड, कॉजल सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो एक्साइटेशन से पहले कोई रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, यानी t इज इक्वल टू 0 से पहले कोई रिस्पॉन्स ना दे रहा हो वो कॉजल सिस्टम कहलाता है। स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, दैट इज अ बाउंडेड सिस्टम, और बाउंडेड सिस्टम क्या होता है, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स जो है इंटेग्रेबल हो, ये नहीं कि इंपल्स रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट करो तो इन्फिनिटी आ जाए, वो आपका बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट नहीं दे रहा होगा, वो अनस्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। सो ये एच ऑफ एफ क्या कहलाता है जी, दैट इज अ ट्रांसफर फंक्शन, सो ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाइड विद द इनपुट विल गिव यू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट। अब समझ आ रही है ये क्यों लेते थे, ये फायदा क्या था इसका, कन्वोल्यूशन का, पूरी सिग्नल है सिस्टम में कन्वोल्यूशन पार्ट नहीं, बस उसका फॉर्मूला पता है कि भाई फोरियर कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या, लेकिन कितनी बेसिक चीज है कि आपको पता हो कि भाई कन्वोल्यूशन का क्या करते क्यों है, एक फॉर्मूला तो नहीं है बस, एक कन्वोल्यूशन ये फॉर्मूला जो समझना भी तो है ना कि फायदा क्या है। अच्छा जो भी आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो एच ऑफ एफ कहलाता है, ऑब्वियसली उसका एक फ्रीक्वेंसी पार्ट होगा और एक उसका फेज पार्ट होगा, एक एम्पलीट्यूड होगा और एक फेज होगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है और जो एक्सपोनेंट में आ रहा होता है वो फेज कहलाता है, ठीक है। और इफ द इंपल्स रिस्पॉन्स इज रियल वैल्यूड, अगर रियल वैल्यूड हो इंपल्स रिस्पॉन्स तो वो किसको फॉलो करेगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री को फॉलो करेगा, आपको याद है कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या, ठीक है, कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या कहती है, एच ऑफ एफ इज इक्वल टू एच कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एफ एंड इट फॉलोज दीज टू प्रिंसिपल रिगार्डिंग द एम्पलीट्यूड एंड फेज, एम्पलीट्यूड इज इवन फंक्शन, फेज इज ऑड फंक्शन। उसके बाद हमने बात की थी जी इलस्ट्रेटिंग द सिस्टम बैंडविड्थ, कहाँ तक यहाँ तक देखा था ना, ठीक है, ये आपके पास एक लो पास सिस्टम है और ये बैंड पास है, ठीक है, लो पास इज सेंटर्ड अराउंड 0, बैंडविड्थ कितनी है इसकी, बी, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, बैंड पास 2b। उसके बाद हमने बात की फिल्टर्स की, बस यहां तक किया था ना, ठीक है, यहां तक किया, ठीक है, और बल्कि फिल्टर्स की बात की थी, उसके प्रॉब्लम भी किए थे, ठीक है। अच्छा ये आपके पास एक फिल्टर का रिस्पॉन्स, ये एच ऑफ टी है, एच ऑफ टी ये कॉजल है नॉन कॉजल,
नॉन कॉजल है, टी इज इक्वल पीछे भी जा रहा है, सीरियल पहले भी आंसर आ रहा है, दिस इज नॉन कॉजल, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन यूजिंग लो पास सिग्नल इज नोन एज बेस बैंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन यूजिंग सम हायर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दैट इज अ बैंड पास कम्युनिकेशन एंड दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हाट मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन नेक्स्ट लेक्चर आपका मॉड्यूलेशन है, ठीक है, बेहतर है कि वो आप मॉड्यूलेशन वाला लेक्चर मिस ना करो, वो इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मॉड्यूलेशन का स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करना कि नेक्स्ट लेक्चर मिस ना करो, ठीक है, उसमें आपकी समझ आएगी इस तरह की ये चीज क्यों है, ओके, दैट्स इट, यहां तक किया था हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, ठीक है, उसके अभी देख लेंगे उसको, एंड दैट वाज अ डिटेल्ड रिवीजन ऑफ द लास्ट टाइम, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर, वो अभी ऑनलाइन जॉब कर दी है, बस लेक्चर ले लेते हैं अपन, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हां बिल्कुल, जा आपकी अटेंडेंस लग गई। चले, अच्छा, एक एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जी, नैरो बैंड सिग्नल, ऐसा सिग्नल जिसकी बैंडविड्थ जो है वो एक कैरियर एक कंपेयर टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, दैट इज अ नैरो बैंड सिग्नल। नैरो बैंड सिग्नल में मजीद आगे डिटेल आनी है, इसलिए ज्यादा इस पे अभी एक लाइन पे इतनी तवज्जो नहीं देते, ऐसा सिग्नल जिसकी बैंडविड्थ कम हो वो नैरो बैंड कहला सकता है, इतना काफी है, मजीद इसके आगे आने एक बात नैरो बैंड और वाइड बैंड के। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं अ रियल वैल्यूड बैंड पास सिग्नल, कोई भी बैंड पास सिग्नल, बैंड पास सिग्नल कौन सा है जो कि किसी एफ सी पे डिफाइंड है, ऐसा सिग्नल जो कि बेसबैंड नहीं है, यानी जीरो पे डिफाइंड नहीं है, डिफाइन डोमेन में बात करो, फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करो, जीओ फ्रीक्वेंसी, जीओ फ्रीक्वेंसी तो टाइम डोमेन में लिखा हुआ है ना, बैंड पास सिग्नल किसको कहते हैं जो कि किसी हायर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट होता है, दैट इज अ बैंड पास सिग्नल। Any real valued bandpass signal G of T with non-zero spectrum in the vicinity of FC, spectrum in the vicinity of FC, spectrum not in the vicinity of zero, in the vicinity of zero कौन सा होता है, low pass signal या baseband signal होता है, low pass signal या baseband signal होता है, ये word low pass आप usually use करते हो filters के लिए, और एक signal की बात करनी हो तो आप कहते हो baseband signal, ठीक है, terminologies use होती हैं, और अगर आप filters की terms में बात करना चाह रहे हो तो यू यूज बैंड पास सिग्नल, ठीक है, और ये टर्मिनोलॉजी मोर और लेस फिल्टर के लिए भी यूज, बैंड पास सिग्नल, ठीक है, लो पास के लिए लो पास सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल, समझ आई बात। अच्छा, कोई भी रियल वैल्यूड बैंड पास सिग्नल इज डिनोटेड बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए सबको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, a of t cos 2 pi fc t plus phi of t, this is the equation for a real valued band pass signal g of t, कोई भी band pass signal इस equation से represent होता है, उसमें ये a of t जो है ये उसका envelope कहलाता है, a of t उसका envelope कहलाता है, phi of t उसका phase कहलाता है, ठीक है, और fc क्या है, जिस fc पे वो shift हुआ है, वो जिस frequency पे shift हुआ है वो fc उसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब एएम में आप पहुंचेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एम्पलीट्यूड को किस तरह डिनोट कर रहा है और ये फेज और ये सारी चीजें, ये एम्पलीट्यूड डिनोट कर
well, I'll take it as an amplitude and a terminology. This is an envelope. ठीक है? Okay. अब मुझे बताइए cos alpha plus beta की form बन रही है? Yes, cos alpha plus beta होता है cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Apply on this क्या बनेगा? Cos 2 pi f c t cos phi of t minus sin 2 pi f c t sin phi of t. डन हो गया? ठीक है? तो ये आपके पास जो सिग्नल बन गया, ठीक है? ठीक है? ये आपके पास जो बन गया, ये बन गया g of t is equal to a of t, और फिर क्या बन गया? cos 2 pi f c t cos phi of t minus sin 2 pi f c t sin phi. कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला नहीं? ठीक है, अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? A of t cos phi of t cos 2 pi f c t minus A of t sin phi of t sin 2 pi f c t. लिख सकते हैं? Yes, लिख सकते हैं? Yes, sir. ये जो चीज है, ये कहलाती है जी आई एफ टी. उसका इन फेज कॉम्पोनेंट, किसी भी सिग्नल का इन फेज कॉम्पोनेंट वो क्या है? ए एफ टी कॉस टू पाई एफ सी टी कॉस फाइव एफ टी. हम लिख सकते हैं इसको, ये जी आई एफ टी है कॉस टू पाई एफ सी टी, लिख सकते हैं. और ये जो है, ये कहलाता है उसका क्वाड्रेचर कॉम्पोनेंट. सिग्नल का क्या कहलाता है? क्वाड्रेचर कॉम्पोनेंट. इसको लिख सकते हैं माइनस जी क्यू एफ टी साइन टू पाई एफ सी टी. डन हो गया भाई? सही है. सो ये इन फेज क्या चीज है जी? इन फेज कंपोनेंट क्या चीज है? ए ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, और क्वाड्रेचर कंपोनेंट क्या है? ए ऑफ टी साइन फाई. क्लियर हो गया भाई? सही है. अच्छा, सो हम लिख सकते हैं जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी आई ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस जी क्यू ऑफ टी साइन 2 पाई एफ सी टी. ठीक है. अच्छा, ये जी आई ऑफ टी क्या है? ए ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये नजर आ रहा है सबको? नीचे लिखा हुआ है. और जी क्यू ऑफ टी क्या है? ए ऑफ टी साइन फाई. ये इसका क्वाड्रेचर कंपोनेंट है. ठीक है. अच्छा, अब ए ऑफ टी क्या चीज है जी? ए ऑफ टी बेसिकली होता है इन फेज कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस क्वाड्रेचर कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर. ठीक है. अब ये इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, ये कहलाता है एनवेलप इसका. ठीक है, एनवेलप किस तरह निकलता है? इन फेज कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस क्वाड्रेचर कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर. और ये फेज किस तरह निकलता है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल डिवाइडेड बाय इन फेज कंपोनेंट ऑफ द. इन टर्म्स ऑफ डायग्राम ये थोड़ी देर में देखते हैं. ठीक है. सो ये हम बात कर रहे थे कि आपके पास जो बैंड पास सिग्नल है वो किससे डिनोट होता है? ए ऑफ टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव ऑफ टी. ठीक है. अब इसको यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने क्या किया इसको? ड्रॉ किया. ये जी ऑफ टी है, ये हमने उसकी वेक्टर फेजर रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो ये ए ऑफ टी जो है ये किसको डिनोट कर रही है यहाँ पे? वेलप तो कर रही है. अब हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड भी डिनोट कर रही है. ठीक है. और ये जो उसका एंगल है ये क्या है? 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव टी. ठीक है. और ये जो ए एफ टी है, जब इसको आप रिजॉल्व करोगे, रिजॉल्व करना आता है वेक्टर को? ठीक है. जब एक्स एक्सिस पे जो आ रहा होता है वो कहलाएगा उसका इन फेज कॉम्पोनेंट. जब वाई एक्सिस पे आ रहा होता है दैट इज क्वाड्रेचर कॉम्पोनेंट. ठीक है. तो ये जी एफ टी है,
ठीक है, व्हेन यू विल रिजॉल्व दिस वेक्टर, एक्स एक्सिस वाला जो है वो जी आई ऑफ टी कहला रहा है और जो वाई एक्सिस वाला है वो उसका क्वाड्रेचर कंपोनेंट कहला रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज बेसिकली उसका एंगल, ठीक है, और ए ऑफ टी क्या है, बेसिकली इनफॉल स्पेस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस क्वाड्रेचर कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट विल गिव यू बेसिकली ए ऑफ टी एंड फाई ऑफ टी, ये एंगल कैसे निकलेगा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ दिस क्वाड्रेचर कंपोनेंट माइनस, आपको पता है कि टेंजेंट क्या होता है, वाई ओवर एक्स, परपेंडिकुलर ओवर फेस, ठीक है, सो ये आपने अब देखी उसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन, अब आप देख रहे थे सिग्नल जो है वो रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आपने उसकी फेजर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखी और अब आपको एक चीज क्लियर हुई है कि ये ऐसा क्यों है, ये इन फेज और क्वाड्रेचर का मतलब है, सो जो कोसाइन के साथ होता है वो इन फेज है, जो साइन के साथ है वो, या आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी शादी आपने देखा जब आपने वो बड़ा सिलैंड्रिकल कंपोनेंट को रिजॉल्व किया था सिग्नल को, ठीक है, सो ओके नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स बेसबैंड रिप्रेजेंटेशन, अब हम देखने लगे कॉम्प्लेक्स बेसबैंड रिप्रेजेंटेशन, ये आपका सिग्नल है जी ऑफ टी, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखने में बड़ी सिंपल लग रही है, इसकी समझ बहुत जरूरी है, any signal g of t can be written as real of g tilde of t, इसके tilde कहते हैं जो होता है, ठीक है, तो हम g dash of t exponent e j 2 pi f c t, ये basically क्या चीज़ है, this is a complex baseband signal representation, ठीक है, ये g tilde of t क्या चीज़ है, g i of t plus j q of t plus j q of t, this is basically this thing, J I of T and J Q of T are real. We refer to G dash of T as complex envelope of the baseband signal. ये क्या कहलाता है इसका? Convex, complex envelope of the baseband signal. ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? Response. ये G of T क्या पढ़ते आ रहे पीछे से? क्या चीज़ है? Band pass signal. This band pass signal. This bandpass signal is equal to real of real of complex envelope times e j 2 pi f c t. अच्छा अब मुझे बताओ ये g dash of t के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी? तो इसका मतलब मैं जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो ये g dash of f बनेगा g dash of t का, तो वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, एफ सी पे और माइनस एफ सी, ये क्वेश्चन क्लियर होगी सबको? अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, दिस इज द प्रॉपर्टी, या आपने मैथ में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी भी कोई भी आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, आप उसका रियल पार्ट निकालना चाहते हैं तो किसके बराबर होता है? A plus A conjugate divided by 2, you will get the real of that. This is a property. ये मैथ में आपने पढ़ी हुई है, ठीक है? अच्छा, ये अब आपके पास जो आया है सिग्नल G dash of T, ये आपकी ये इक्वेशन क्लियर की है सबको? ये वाली, ये कहाँ से आई है? ये इक्वेशन कहाँ से आई? कैसे क्लियर हो गया? कैसे क्लियर होगी? प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आई वांट क्या फॉर्मूला, रियल ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2. अब मैंने यहाँ पे रियल ऑफ करना है, ये जी ऑफ टी का यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म स्किप हुए हैं यहाँ पे, और फिर ये जी ऑफ एफ आया, ये जी ऑफ टी का यहाँ पे जी ऑफ एफ ले रहे हो. Yes, पहले अंदर वाला काम कर लिया सारा, जी ऑफ टी ने क्या बनाया था, जी डैश ऑफ, ये टिल्डे मैं नहीं बोल रहा, जी डैश बोल रहा, ठीक है, इट मीन्स कि हम इसकी बात कर रहे हैं सिग्नल की, जी डैश ऑफ एफ एक एफ सी पे चला गया, एक माइनस एफ सी पे चला गया, अब मैंने क्या लेना है, उसका रियल लेना है, मैंने उसका रियल, और रियल क्या होता है, a plus a conjugate divided by 2. अब ये कहाँ पे गया था? G dash of f
माइनस एफ सी और एक था जी डैश ऑफ एफ प्लस एफ सी। अब जब उसका आपने रियल लेना है तो आपने उसे एक उसका कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा और देन डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो जो f माइनस एफ सी है वो तो एज इट इज आ जाएगा विद दिस ए, और जो f प्लस एफ सी था, जब f प्लस एफ सी था उसका आपने क्या लेना है कॉन्जुगेट, दैट इज वाई दिस इज g कॉन्जुगेट ऑफ डैश और फिर ये माइनस एफ माइनस एफ सी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो दैट इज वाई ये आपके पास g डैश ऑफ f जो बन रहा है, ठीक है, उसका देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन रहा है, एक एफ सी पे जा रहा है और ये जो माइनस एफ सी पे सेंटर्ड है वो क्या है, इन्वर्टेड है। पहले क्या होता था, यही चीज इसी तरह की शक्ल यहाँ पे आनी थी ना, लेकिन ये आपको इसका मिरर इमेज नजर आ रहा है, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दैट। समझ आई भाई? ओके जी, ये वही पैलेट की तरह की एग्जांपल है, हम आगे मूव करते हैं। ये हम बात कर चुके हैं y ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ f x ऑफ f, और अब हम बात करने लगे हैं इन टर्म्स ऑफ इंपल्स रिस्पांस, इन टर्म्स ऑफ इंपल्स रिस्पांस हम बात करने लगे। ये आपका अगर h ऑफ t आपका इंपल्स रिस्पांस ऑफ अ बैंड पास फिल्टर है h ऑफ t, तो उसे हम लिख सकते हैं रियल ऑफ a h ऑफ t लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा, ये वही क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे है। I'm not looking for the proof of that. मैं सिर्फ ये जो एंड रिजल्ट था वो आपको समझाना चाह रहा था कि ये इन्वर्टेड कैसे आया। ये क्लियर है ना सबको? ये भी क्लियर हो गया सबको? ये वाली क्लियर। नेक्स्ट इज सिंस h डैश ऑफ f इज अ लो पास लिमिटेड टू f लेस देन b, वी कैन ऑब्टेन कि h ऑफ f h डैश f ऑफ f माइनस fc as as 2 h ऑफ f एंड h डैश माइनस f माइनस fc as 2 h कंजुगेट ऑफ f। इसकी क्या लिखूं? ग्राफ से पता लगेगा, ऐसा करते हैं कि पहले वो ग्राफ वाला जो चीजें ना, अब बैक टू दी एग्जांपल जो हम कर रहे थे, इसकी जो बाकी दो तीन स्लाइडें रह गई हैं वो पहले हम जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्लियर कर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जी बैंड लिमिटेड सिग्नल और बैंड पास सिग्नल के बारे में पढ़ा था। ये आपके पास टाइम लिमिटेड सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अनलिमिटेड होगा, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक डिफाइन होगा। और मैं हासिल करना चाहता हूं जी ऐसा जो कि ये दिस इज अ टाइम डोमेन सिग्नल, ये टाइम में, ये फ्रीक्वेंसी में, ये कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूं मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में बस इतना सा सिग्नल मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा इसको फिल्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको फिल्टर से मल्टीप्लाई। फिल्टर किस तरह का होना चाहिए? रेक्ट फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास ए का फैक्ट जो था, ए का फैक्ट था क्या था? दैट वाज अ फिल्टर, ठीक है, जिसने आपको ये ट्रंकेटेड सिग्नल आपको दे दिया, ठीक है। फिर हमने ये वाली एग्जांपल की थी कि ये प्रैक्टिस कर लिया सारे, ये आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल था, आपने उससे ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये सिग्नल हासिल करना था, नहीं किया गया फेल हो जाओगे, पास नहीं होगी, यही है ना करके आया था। ये तो मैं आपको बताता हूँ जो काम कराया जाता है उसी दिन जाकर किया गया है, सही है? किससे? हाँ ठीक है, तो आपने ये सिग्नल हासिल करना है, तो ये नहीं कहोगे यार मैं पढ़ के नहीं आया, मैं कहूँ चलो यार ठीक है, वो जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कराने के से h ऑफ f, क्यों भाई? ठीक है, y ऑफ f क्या था? x ऑफ f यही था ना, तो दैट इज व्हाई मैं जब फिर गायब हो गए, ठीक है, ये जब सिग्नल है सिंक, ठीक है, जब मैं इसके मल्टीप्लाई कराऊंगा ऐसे सिग्नल के साथ जो कि
जिसकी कितनी लेंथ होगी? यहाँ पे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें आप, दैट इज 2. ये कहाँ तक है? मैं 2 तक लेना चाह रहा हूँ. दिस इज 2, दिस इज माइनस 2. तो इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए? 2 से माइनस 2 होनी चाहिए. यहाँ क्या कर रही हो? और ये किस डोमेन में? ये क्या है? ये x ऑफ f है, ये h ऑफ f है. मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. बाकी क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, खाली ये वाला सिग्नल आपके पास आ जाएगा जो कि माइनस टू से टू तक आया है. जो भी ठीक है. तो आपने क्या किया, एक सेकेंड, आपने एच ऑफ एफ क्या बनाया? एक रेक्टेंगुलर फंक्शन आपने उसको मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ. ठीक है, एच ऑफ एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स ऑफ एफ यू गॉट वाई. ये टाइम डोमेन में करना होता तो क्या हो रहा होता है? ये कन्वोल्यूशन इसकी हो रही होती. क्वेश्चन क्या आपका? अच्छा, उसके बाद हमने एग्जांपल ली थी ये ट्रायंगुलर फंक्शन वाली. ठीक है, ट्रायंगुलर फंक्शन के हवाले से मैंने आपसे एक बात की थी कि जब आप रेक्ट फंक्शन को ड्रॉ कर रहे होते हो, जब आप रेक्टेंगुलर फंक्शन को ड्रॉ कर रहे होते हो तो ये क्या होता है आपके पास? जब आपने लिखा रेक्ट टी बाय टी, तो ये क्या चीज थी बेसिकली? टी बाय टू से माइनस टी बाय टू तक डिफाइन था ना ये, और ये इसका एम्पलीट्यूड था 1 है अगर, तो ये दिस इज इक्वल टू 1 है. और फोरियर डोमेन में क्या था ये? ठीक है, ये पहली जीरो क्रॉसिंग कहाँ पे आती थी? 1 ओवर टी पे. सेकंड जीरो क्रॉसिंग कहाँ पे आती है? 2 बाय टी. ठीक है, अच्छा तो ये क्लियर है सबको? ये रेक टी ओवर पॉइंट वन जब लिखा, रेक टी ओवर पॉइंट वन जब लिखा तो वो क्या बन गया? पॉइंट वन सिंक पॉइंट वन है. ये तो क्लियर है सबको? तो ये पॉइंट वन इसका आ गया एम्पलीट्यूड एट जीरो. और पॉइंट वन का क्या मतलब है? वन ओवर पॉइंट वन विच इज टेन के ऊपर पहली जीरो क्रॉसिंग आ गई, टू ओवर पॉइंट वन के ऊपर जीरो सेकंड जीरो क्रॉसिंग, एंड सो ऑन. ये क्लियर है ना सबको? तो जो ट्रायंगुलर फंक्शन है उसमें ये है कि जब आप उसमें पॉइंट ये ट्राई टी ओवर टी लिखेंगे, ठीक है, सो यहाँ पे एक तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा और दूसरा ये जो पॉइंट वन एफ है, पॉइंट वन एफ है, वो पॉइंट वन एज इट इज यहाँ पे आएगा, ये टी बाई टू नहीं आएगा. जिस तरह यहाँ पे पॉइंट वन था तो ये पॉइंट वन बाई टू है ना, ये यहाँ पे बोले ना यार, ये पॉइंट वन है तो ये पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ये पॉइंट वन डिवाइडेड बाई टू है ना. सो दैट ये पूरी की पूरी लेंथ जो है दैट इज बेसिकली डी. ठीक है, सो जी ऑफ टी जब आपने लिखा टू रेक्ट T by 4, तो ये क्या था बेसिकली? That was 2 and that was 2, that was minus 2. क्यों? 4 divided by 2. ये T by 2 है? Yes sir, ऐसे. तो ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जब triangular function में जब लिखोगे, triangular function में जब लिखोगे 2 try T over 4, तो ये जो आपके पास चीज आएगी ये 2 नहीं आएगी बल्कि 4 है. ये मैं आपको तो ट्रायंगुलर फंक्शन में टी ओवर पॉइंट वन में ये पॉइंट वन यहाँ पे मुझे बताएं कि इसके फोरियर और इसके फोरियर में क्या फर्क है? इसका सिंक स्क्वायर आता है, इसका सिंक आता है, इसलिए ये देखें नेगेटिव में भी जा रही होगी. तो सिंक स्क्वायर है तो वो देखो पॉजिटिव ही रहती है. ठीक है, जीरो क्रॉसिंग उसकी भी इसी तरह है जैसे इस तरह से. अच्छा, अब पॉइंट वन ट्राई टी ओवर पॉइंट वन है, ठीक है, ये मेरे पास जी ऑफ टी है एंड आई वॉन्ट टू ऑब्टेन दिस थिंग, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन दिस थिंग. सबसे पहले ट्रायंगुलर फंक्शन का आपने फोरियर निकाला विच वॉज पॉइंट वन स्क्वायर सिंक स्क्वायर एफ पॉइंट वन, ये बनेगा. Yes, sir. देखो एम्पलीट्यूड कितने है, पॉइंट वन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.01, और पहली जीरो क्रॉसिंग कहाँ पे आएगी? 1 ओवर पॉइंट वन यानी 10 पे, और सेकंड आएगी 20 पे, नेक्स्ट आएगी 30 पे, एंड सो ऑन. मैंने ये चीज हासिल करनी है कि जो बस 10 पे आए और बाकी 0 आ जाए, इसका मतलब मैंने इसको मल्टीप्लाई कराना है एक फिल्टर के साथ, और फिल्टर का किस तरह की होनी चाहिए शक्ल?
रेक्टेंगुलर शक्ल होनी चाहिए इस डोमेन में, रेक्टेंगुलर शक्ल फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो एच ऑफ एफ का कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू एफ ओवर 20, क्यों एफ ओवर 20 होना चाहिए, ताकि 10 से माइनस 10 तक उसको क्लिप कर दे, क्या होना चाहिए रेक्ट एफ ओवर, ये क्लियर है रेक्ट एफ ओवर 20, ये बाकी डू नॉट गेट कंफ्यूज कर दे, दिस इज एच ऑफ एफ इज इक्वल टू रेक्ट एफ ओवर 20, ठीक हो गया अभी, आपको क्लियर नहीं लग रहा, आपका नाम क्या, अरीब, क्लियर है, पहली बार आप क्लास में, अभी यार रिव्यू नहीं की है सारी क्लास में, अभी तो हमने ज्यादा कंटेंट आगे कवर ही नहीं किया। अच्छा उसके बाद जी ये कुछ एग्जांपल हैं, यहाँ आपने खुद ही करनी है, हम क्लास में कर चुके हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया था कि आपकी प्रैक्टिस जो है, ये शक्ल इस तरह की क्यों बनती है ये मॉड्यूलेशन में देखेंगे, और ये है जी फंक्शन आपके पास, एन आर एफ पल्स इज डिफाइंड बिलो, देखिए हमने ये टॉपिक कर लिया है, मैं चाहता हूँ इसको छोड़ देता, मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टाइप, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, अदरवाइज आई कैन टेल यू कि आप ये मैंने अपलोड कर दिए जाके कर रहे पूरी कर रहे कंटेंट कवर कर लिया, ठीक है, किताबों के लिए दिस इज जी ऑफ टी इज इक्वल टू 10 रेक टी ओवर 10 कॉस 2 बाय समथिंग वेव, ये एक जी ऑफ टी है, ठीक है, तो कह रहे फाइंड एंड स्केच इट्स एनवेलप, फाइंड एंड स्केच इट्स एनवेलप, याद करें इक्वेशन क्या थी जी, बैंड पास सिग्नल इक्वेशन जी ऑफ टी इज इक्वल टू ए ऑफ टी कॉस 2 बाय एफ टी प्लस 5 टी, ठीक है, इसमें एफ सी कितना है, एफ सी 1 है, इसमें फेज कितना है, इसमें कोई फेज नहीं है, आगे कुछ ऐड नहीं हो रहा है, फेज फाइव ऑफ टी क्या है इसके अंदर, दैट इज इक्वल टू 0, तो ए ऑफ टी क्या है इसका मतलब, इसके अंदर 10 रेक टी ओवर 10 दैट इज बेसिकली ए ऑफ टी, 10 रेक टी ऑफ 10 प्लॉट करना आता है सबको, यस 10 रेक टी ऑफ टी सबको प्लॉट करना आता है, जिसको नहीं आता वो, दिस इज 10 5 रेक t by 10, तो ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस 5 से 5 तक, टाइम डोमेन, दिस इज 10 रेक t by 10, ओवरऑल सिग्नल किस तरह का लग रहा है, ओवरऑल सिग्नल g of t ये है, ठीक है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करा रहे हो किसके साथ, एक वो साइन सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो ये सिग्नल इस तरह का लगेगा, ये जो आपको नजर आ रही है, वैसे कोसाइन किस तरह का होता है, वैसे तो कोसाइन माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक जा रहा है, तो ये कोसाइन सिग्नल टाइम डोमेन में लिमिटेड है, लाइक दिस, ठीक है, इस इसके अंदर, ठीक है, माइनस 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज, दैट इज 1 हर्ट्ज, क्लियर है जी, चले आगे, आपको क्लियर है, अच्छा नेक्स्ट, ये आपके पास एस ऑफ टी है जी, फॉर द ट्रांसमिटेड सिग्नल एस ऑफ टी drawn below, find the enveloped signal A of T. A of T मालूम करें. S of T is 0.1 try T over 0.1 cos 2 by F C T. मालूम करना हमने क्या? A of T. 0.1 try T over 0. ठीक है. Find the enveloped signal A of T. सबसे पहले इसको draw करें क्या होगा जी? क्योंकि triangular function है ये इस तरह की शक्ल होगी. ये शक्ल तो ये है सबको. ये है. ट्रायंगुलर फंक्शन बना रहे आप, और ट्रायंगुलर फंक्शन के अंदर क्या है, ड्रॉ हो रहा है बेसिकली कोसाइन, एक ट्रायंगुलर फंक्शन के अंदर कोसाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, हमने इसके अंदर हमने प्लॉट करना है क्या, ए ऑफ टी प्लॉट करना है, फाइंड द एनवेलप सिग्नल ए ऑफ टी कैसे आएगा, 0.1 ट्राई टी ओवर 0.1, 0.1 ट्रायंगुलर फंक्शन टी ओवर 0.1, 0.1 है पहले जीरो क्रॉसिंग कहां पे आएगा, 0.1 टाइम डोमेन, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा होगा फिर आपको पता है कि वो 1/0.1 पे पहले जीरो होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया 0.0 क्योंकि सिंक स्क्वायर है, ठीक है फारूक, नेक्स्ट क्वेश्चन एन आर एफ पल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज डिफाइंड बिलो, फाइंड एंड स्केच इट्स एनवेलप, प्लीज यूज
द रेज हैंड ऑप्शन इफ यू आर ऑनलाइन एंड क्लास में है तो हाथ खड़ा करें और बताएं मुझे कि ये किस तरह आया जो सॉल्यूशन आपके सामने क्या वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टेड है? इसका मतलब के इसका क्या मतलब कि ये बैंड पास सिग्नल नहीं है, ये सॉरी बैंड पास सिग्नल है, बेसबैंड सिग्नल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसका लो पास इक्विवेलेंट निकालें। लो पास इक्विवेलेंट क्या है इसका? f/100 रेक्ट ओवर f/100 है इसका फोरियर डोमेन में। ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसमें 1/2 आ रहा होता है, क्योंकि जब सिंपल रेक्ट के साथ वो आप को साइन से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, यहाँ पे 1/2 आ रहा होता है। yes, तो इसका मतलब वो 1/2 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब दिस इज मल्टीप्लाइड विद 2 रेक्ट f ओवर 100। ये क्लियर हो गया भी? लो पास इक्विवेलेंट डायरेक्टली इंट्यूटिव में निकाल लिया सबने। अच्छा, और a ऑफ t जो है वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका लो पास का। वो क्या होगा जी? रेक्ट का क्या होता है? सिंक होता है। रेक्ट f ओवर 100 है, इसका मतलब ये क्या बनेगा? 100 × 2 = 200 मान गया, sink 100, this is the formula, ठीक है जी? Yes. और ये आपने ड्रॉ कर दिया उसका, ये हम स्लाइड पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an RF pulse is defined below, find its phase and quadrature components। आपके पास एक सिग्नल गिवन है। अच्छा, जब आप लिखते हो ना RF pulse, वो डायरेक्टली वैसे ही पता लग रहा है कि ये एक बेसबैंड सिग्नल की बात नहीं हो रही, ये एक बैंड पास सिग्नल है। जी ऑफ टी आपके पास गिवन है, ठीक है। आपने इसका इन फेज और क्वाड्रेचर कंपोनेंट निकाला। जी ऑफ टी क्या होता है? ए ऑफ टी कॉस 2πfct+5t। ये क्लियर है सब कुछ? इस इक्वेशन पे इस पे मैप कर दो। ए ऑफ टी क्या है इसके अंदर? 10 रेक्ट टी ओवर 10, फाई क्या है? 45, एफ सी क्या है? 10 किलोहर्ट्ज़। इन फेज कंपोनेंट किसको कहते हैं? ए ऑफ टी कॉस 5t। A of t क्या निकाला है आपने यहाँ पे? 10 रेक t over 10 को, और cos phi of t क्या होता है? 45। This is the in phase component। और ये क्या है उसका quadrature? सही हो गया भाई? Yes, yes, sir। ये आप रे के पीछे जो क्या नाम है आपका? अली। अली। और अली के पीछे? दानिश। दानिश कुदरतुल्ला। जो छुट्टियां करता है बाद में, वही है ना? Yes, sir। कहते हैं आमे अभी। Yes, sir। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स बेसमेंट रिप्रेजेंटेशन जी की थी हमने। कॉम्प्लेक्स बेसमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या बताती है? आपके पास एक सिग्नल है, बैंड पास सिग्नल, दैट इज इक्वल टू रियल ऑफ। अच्छा, अब इस इक्वेशन का कॉन्ट्रास्ट, ये इक्वेशन देखो याद रहेगा, जी ऑफ टी इज इक्वल टू रियल ऑफ जी टिल्डे ऑफ टी ई जे टू एफ सी टी। इसको हमने जी टिल्डे ऑफ टी को क्या नाम दिया था? जी आई ऑफ टी प्लस जे, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का बना था? अच्छा, एक चीज याद रखनी है, ये जी टिल्डे टिल्डे टी आई एल डी ई जी डैश टिल्डे जी डैश कह देते हैं, हमें पता नहीं जी डैश ऑफ एफ, वो ये फंक्शन है। अच्छा, मुझे बताएं क्या ये रियल फंक्शन है? क्यों नहीं है रियल फंक्शन? ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक फंक्शन, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक फंक्शन, याद नहीं है प्रॉपर्टीज? इसीलिए तो पढ़ रहे कॉम्प्लेक्स बेसबैंड रिप्रेजेंटेशन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल। और कॉम्प्लेक्स सिग्नल को जब आपने बेसबैंड सॉरी बैंड पास में कन्वर्ट किया तो आपके पास एक सिग्नल आया इस तरह का और एक मिरर इमेज आया। अगर ये रियल सिग्नल होता, देखो ये आपके पास रियल सिग्नल था ना, सॉरी ये आपके पास एक रियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म था ना, तो जब इसे आपने कन्वर्ट किया था तो एफ सी पे भी यही शक्ल थी और माइनस एफ सी पे भी यही शक्ल थी। एंड सिमिलरली अगर आप रेक्ट सॉरी सिंक ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते तो उसमें भी इसी तरह से होता कि आपके पास एक रेक्ट फंक्शन एफ सी पे और एक माइनस एफ सी पे पड़ा,
लेकिन ये आपके पास जो बेस बैंड में सिग्नल था दैट वाज नॉट अ रियल फंक्शन, दैट वाज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एंड दैट इज व्हाई उसकी कॉम्प्लेक्स बेस बैंड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रियल ऑफ द लो पास सिग्नल जो कि इन फेज और क्वाड्रेचर से बना होता है, ej 2 पाई fct, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का होता है ये वाला, ये जो हमने ये भी देखा था, ये अभी जो देखा स्लाइड में f माइनस fc और कॉन्जुगेट फंक्शन माइनस f माइनस fc, उसका वो मिरर इमेज बनता है।